Hi everyone, welcome to Heba Di Vlogs. Hope you all are fine and doing well. Today's special Bombay biryani by my mother. Assalamualaikum, आज हम बनाने जा रहे हैं बॉम्बे बिरयानी. बहुत ही आसानी से बन जाती है. मैंने इसके लिए 1 किलो चिकन लिया है, जिसे मैंने नमक और लाल मिर्च लगा के रख लिया है. अब हम एक बर्तन में तेल लेंगे और उससे गर्म करेंगे. उसमें हम चिकन डालेंगे. चिकन को हमें अच्छे से फ्राई करना है. ज़्यादा हम लाल नहीं करेंगे, हल्का हल्का फ्राई करके निकाल लेंगे. हम एक साइड से फ्राई करेंगे और फिर दूसरे साइड पलट देंगे. हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए. फिर हमने 3 आलू लिए हैं. 3 आलू को मैंने पानी में धो के रख दिया है. उसमें नमक और येलो फूड कलर डाल दिया है. अब वो बॉईल होता रहेगा. और हमने यहाँ बिरयानी के लिए राइस लिया है, बिरयानी राइस. इसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है. अब हम आलू चेक करेंगे. आलू हमारे गल गए हैं. अब हम इन्हें भी निकाल के उसी तेल में फ्राई कर लेंगे. आलू को हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से. जब तक हमने फ्राई करना है, ये बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाने वाली बिरयानी है. आलू फ्राई हो गए, मैंने उसे निकाल लिया और उसी तेल में मैंने 5 बड़े कटे स्लाइस प्याज के डाल दिए. प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन करना है. अब हम इसमें 2 टमाटर ले लेंगे. उसे हमें बारीक बारीक चॉप कर लेना है. वहाँ हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, जब तक हम अपनी टमाटर को चॉप कर लेते हैं. और हरी मिर्च, मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्च ली है. अब हमारा जो एक साइड है वो प्याज फ्राई ब्राउन हो रहा है. अच्छे से ब्राउन कर लेंगे. ब्राउन हो चुका है, मैं थोड़ा सा प्याज इसमें से निकाल रही हूँ इसे ऊपर से गार्निश करने के लिए. अब हम इसी में टमाटर और हरी मिर्च मिलाते हैं. टमाटर और हरी मिर्च इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे, मिक्स कर लेंगे. अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे. अदरक लहसुन का पेस्ट हमें 2 चम्मच, बड़े बड़े चम्मच लेने हैं. इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, भुनेंगे. और हम यहाँ पर शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मैं इसमें पूरा डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी. ये बहुत ही आसानी से बन जाता है. इसके लिए आपको कोई गरम मसाला का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप और तीखा खाते हैं तो इसमें लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं. हम लोग इतनी स्पाइसी खाते हैं तो हमारे लिए सही है. अब हम इसमें फ्राई किए हुए चिकन मिक्स कर देंगे. मिक्स करके इसे थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे. मैंने यहाँ छोटे वाले गिलास से 2 गिलास पानी लिया है. अब हमें कोरमा टाइप में बनाना है चिकन का. हमारा चिकन रेडी हो रहा है. इसे हम ढक देंगे जब तक कि गल जाए. जब हमारा चिकन गलने लग जाएगा तो हम इसमें दही शामिल कर देंगे. हमने आधी कटोरी दही ली है. इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे. चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है. अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे. आलू डाल के फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे. थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक कर छोड़ देंगे. मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसे ढक कर छोड़ देंगे. ढकने के बाद हमारा सही आ गया है चिकन और आलू ग्रेवी कोरमा बन गया. एक साइड पे हम एक बर्तन में पानी लेंगे और उसमें डालेंगे खड़ा गरम मसाला, ज़ीरा, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और नमक डाल के हम नमक हम थोड़ा इसमें ज़्यादा लेंगे चावल के हिसाब से, क्योंकि चावल के पानी को हमें निकाल देना है. और इसे ढक देंगे बॉईल होने के लिए. जब हमारा अच्छे से बॉईल हो जाए पानी, तब हम इसमें भिगोए हुए चावल डालेंगे. चावल हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे. एक बार चम्मच से मिला लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे बॉयल आने के लिए. हमारे चावल में बॉयल आ चुका है. मैं यहाँ पर तेल डालना भूल गई थी, रिफाइंड ऑयल. मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मिला रही हूँ ताकि चावल हमारे खिले खिले से रहें. और हम चावल में हम 1 कनी तक पकाएंगे.
हमारा चावल हो चुका है एक कनी। अब हम इसे छलनी की मदद से छान लेंगे, पानी निकाल देंगे। मैंने छलनी से चावल पानी को अलग कर लिया, आधे चावल मैंने उसी में निकाल लिया और आधे चावल बर्तन में मैंने रहने दिया, पानी निकाल लिया। अब जो बर्तन में हमारा चावल है उसी में हम कोरमा डाल देंगे। कोरमा डाल के मैं इसको मिलाते जाऊंगी साथ साथ, थोड़ा एक एक लेयर बनाऊंगी और उसको मिक्स कर दूंगी मैं। और लास्ट वाला जो लेयर है मैं उसे मिक्स नहीं कर दूंगी, इसी तरह से मैं दो तीन लेयर लगाऊंगी और सबको मिक्स करके फिर ऊपर से प्लेन राइस डाल दूंगी। और अब मैं बराबर कर दूंगी और इसमें फूड येलो फूड कलर मैंने दूध में घोल के रखा था उससे मैंने डाल दूंगी। फ्राई किए हुए प्याज भी डाल दूंगी। मैं शुद्ध घी इसमें ऊपर से दो तीन चम्मच शुद्ध घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, डाल दिया मैंने, दम लगा दिया था। इसमें अब मैं केवड़ा वाटर मिलाऊंगी। एक ढक्कन मैंने केवड़ा वाटर डाला है जिससे खुशबू अच्छी आ जाएगी और मैं इसे दम में कर दूंगी। मैंने ढक्कन में कपड़ा लगा दिया ताकि दम अच्छे से आ जाए, ये बहुत जल्दी बन जाता है फटाफट। देखिए हमारा बिरयानी रेडी हो चुका है, अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लूँगी। अब भी ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही आसान है बॉम्बे बिरयानी। शुक्रिया। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर अपडेट्स इफ यू आर विजिटिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक ईच एंड एवरी वीडियो, शेयर इट मच एज पॉसिबल। बाय बाय, सी यू।